Good morning students, welcome back to our online classes. Today we are going to read English literature from class 7, Honeycomb book, chapter 2, A Gift of Chappals. Chappals means जो हम पैरों में पहनते हैं slippers, उसका gift, उसका उपहार. तो वो कैसे किसके लिए गिफ्ट बनता है ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. साथ ही साथ हम स्टोरी में देखेंगे कि किस तरह से जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे वो कैसे बात करते हैं और उनकी थिंकिंग कैसी होती है वो सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. बट फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू सम कैरेक्टर्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट. फर्स्टली मृदु अ यंग गर्ल. मृदु एक छोटी सी लड़की है जो कि मद्रास में रहती है अपनी दादी माँ के साथ. पाती वो अपनी ग्रैंड मदर को तमिल में पाती कहती है. रवि, मीना, लली ये तीनों के तीनों उसके कजिन्स हैं जो कि रुक्मणी के बच्चे हैं. महिंद्रा इज अ कैट एंड म्यूजिक मास्टर जो म्यूजिक सिखाता है. एंड बेगर एक भिखारी. सो रिमेम्बर दिस कैरेक्टर्स एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Mridu was a young girl. Once her grandmother took her to her aunt Rukmani's house. The aunt had three children, Lali, Ravi and Meena. एक दिन मृदु अपनी आंटी के घर गई अपनी दादी के साथ. तो जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचे तो रुक्मणी ने दरवाजा खोला और रवि एंड मीना भागते हुए आए और मृदु को अंदर को खींचने लगे. बट मृदु ने कहा कि रुक जाओ पहले मैं अपनी स्लीपर्स तो उतार दूं. तो वो गई और उसने अपनी चप्पल वगैरह उतारी. वहां पे उसने देखे कि एक जोड़ी स्लीपर्स थे, किसी के चप्पल वहां पे थे जो कि काफी पुराने धूल से भरे हुए थे और उस चप्पल पे टोज यानी कि उंगलियों जो पैर की उंगलियां होती हैं उसका एक एक निशान उस पर साफ साफ झलक रहा था. बट मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन चप्पल वो चप्पल के बारे में पूछे कि ये किसके हैं. सो रवि एंड मीना उसे खींचते हुए अंदर ले जाते हैं. जैसे ही वो अंदर ले जाते हैं तो वो उसे बताते हैं कि हमारे बैकयार्ड यानी घर के पीछे का जो आंगन था वहां पे बिटर बेरी बुश एक झाड़ी का नाम है उसके नीचे उसने देखा कि एक फटी हुई फुटबॉल में एक किटन है मींस कैट का बच्चा है और वो उस फुटबॉल में लेटा हुआ है. उसी के सामने एक कोकोनट का शेल है यानी कि कोकोनट का जो बाहर का कवर होता है उसमें उन लोगों ने उसके लिए कुछ दूध रखा था और वो उस दूध को पी रही थी. नाउ रवि वॉज मच एक्साइटेड. ही टोल्ड मृदु हाउ ही वॉज एबल टू मैनेज सम मिल्क फ्रॉम द किचन. पाती हैड सीन हिम विद अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड रवि मेड एन एक्सक्यूज. ही टुक अ ग्लास ऑफ मिल्क. ही सेड दैट ही वॉज हंग्री. तो इस तरह से रवि बहाने बना करके उस बिल्ली के लिए दूध लाता था कि मैं भूखा हूं और अपने लिए दूध लाता था और चुपके से उसे कोकोनट शेल में उड़ेल करके बिल्ली को देता रहता था. लेकिन अब बच्चे कहने लगे कि ये जो हमारी ट्रिक है ये बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, अब हमें कुछ नया सोचना होगा. तो अब रवि कहने लगा कि कुछ हमें नई ट्रिक सोचनी पड़ेगी महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए. तो मृदु कहती है कि महेंद्रन क्या ये इस बिल्ली का नाम है. तो रवि खुश होकर कहता है कि हाँ हमने अपने कैट का नाम महेंद्रन रखा है. तो मृदु भी काफी इम्प्रेस हो जाती है कि किटी का नाम महेंद्रन. तो कहता है कि हाँ इसका नाम पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई यानी कि MP पुन्नई. तो देखो मैं हमने इसका नाम ये रखा है और ये कोई ऐसी वैसी कैट नहीं है, ये बहुत ही अच्छी नस्ल की कैट है. देखो जरा इसके गले के बाल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी शेर के बाल हों. और तुम्हें पता है पल्लव जो किंग्स थे तो उनका जो नेशनल एम्बलम था वो क्या है. सो स्टूडेंट्स पल्लवाज जो है साउथ के राजा थे जो कि पहले हिस्ट्री में आप उनके बारे में पढ़ेंगे, शायद आपने पढ़ा भी होगा. सो वो कहता है कि पल्लवा के जो नेशनल एम्बलम था वो तुम्हें पता है कौन है. तो मृदु को खांसी आती है, मृदु हंसती है. तो रवि गुस्सा होता है, वो कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ. वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समथिंग.
इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। अब रवि गुस्सा करता है, वो कहता है इससे पता चलता है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, इस वजह से तुम ऐसा हंस रही हो। तुम्हें पता भी है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? तो फिर मृदु चुप हो जाती है। तो रवि कहता है मैं महाबलीपुरम गया था जब मैं लास्ट टाइम पे अपने क्लास की ट्रिप की तरफ किया गया था। वहां मैंने महाबलीपुरम में महिंद्रन यानी कि जो बिल्ली है उसके थाताज यानी दादा। तो रवि ऐसी बात करता है कि जब मैं महाबलीपुरम गया था तो मैंने इस कैट के महिंद्रन के दादा के दादा के दादा के दादा को का स्टैचू देखा था और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बात करता है वो। फैक्ट इज, तो कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये महिंद्रन है ये कोई ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है बल्कि ये राजाओं की बिल्ली है, ये एंशिएंट कैट की वंशज है और उन्हीं की जो है रिलेटिव है। नन अदर देन द लायन। अब रवि कहता है कि तुम्हें पता है जो ये बिल्ली है ये एक तो पल्लवास की जो बिल्लियां थी उसकी वंशज हैं और साथ ही साथ बिल्ली को हम कहते हैं कि वो लायंस यानी कि जो टाइगर्स होती हैं उनकी फैमिली की होती हैं, कैट फैमिली की, तो ये उनकी भी वंशज है। तो इस तरह से रवि बोलते बोलते बिटर बेरी बुश के इधर उधर घूम रहा था और उसकी आंखों में एक चमक थी और वो बहुत ही खुशी खुशी से बता रहा था कि ये महाबलीपुरम की ऋषि कैट्स की वंशज है। सो मृदु एंड मीना एक दूसरे को देख रहे थे और हंस रहे थे और ये सोच रहे थे कि देखो रवि कितने अच्छे से खुशी खुशी ये सब बातें उन्हें सुना रहा है। अब देन मृदु सेज व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग। तो हमें इन सब का करना क्या है, चाहे बिल्ली कहीं की भी हो हमें इन सब से क्या करना है। तो रवि गुस्सा करता है उफ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड नॉट गॉडेस बास्टर्ड। या अब रवि क्या कहता है, अब रवि दूसरी बात कहना शुरू करता है कि मैं तुम्हें इस कैट के डिसेंडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, उनके पूर्वजों के बारे में बता रहा हूँ। तुम्हें पता है कि ये कैट कोई ऐसी वैसी कैट नहीं है, जो पल्लवास के पास कैट थी ऋषि कैट्स वो कहाँ से आई थी। देन रवि सेज वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस वॉज अ स्टोव अवे इन वन ऑफ द पल्लवास शिप एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब रवि कहता है कि जो ये कैट है इसकी जो रियल वंशज हैं, ये वंशज जिसकी है वो इजिप्टियन कैट है। सो एक बार पल्लव जो किंग्स थे वो इजिप्ट गए और वहां से वापस आते समय एक बिल्ली उनके जहाज में आ गई छुप करके, तो फिर वहीं से इस जो कैट है इसकी ब्रीड स्टार्ट हुई और ये यहाँ महाबलीपुरम में आ गई यानी कि इंडिया में आ गई। रवि फ्लोरिज हिज ट्विग्स एट महिंद्रन एमपी पुन्ने हियर हुज एक ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड हिमसेल्फ। अब रवि ये सब बोलते हुए बड़ा खुश था और वो पेड़ की जो झाड़ी की जो छोटी छोटी डालियां थी उसको तोड़ तोड़ के बिल्ली के ऊपर फेंक रहा था और वो जो है बहुत ज्यादा खुश था। महिंद्रन लुक अप, तभी महिंद्रन एकदम से अलर्ट हो गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉव्स ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल और वो अचानक से ऐसा अलर्ट जैसा हो गया और अपने जो पैर के पंजे होते हैं उनको कोकोनट के शेल पे रगड़ने लगा। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूक, क्यों? क्योंकि वहां पे रवि की बातों से भी ज्यादा कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, यानी कि रवि लगातार बोल रहा था, इरिटेटिंग कर रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा इरिटेटिंग एक अजीब सी आवाज वहां पे आने लगी फ्रॉम द विंडो। व्हाट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वाज स्टार्टेड। अब मृदु ने जो है चौंक करके कहा कि ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है। तभी एमपी पुन्नई यानी कि जो कैट थी वो डर के मारे सीधे उछली और वहां पे कुछ मिर्चें सुखाई हुई थी उनके नीचे वो घुस गई और अपने ऊपर उसने कुछ मिर्चें बिखरा ली और वो म्याओं म्याओं की आवाज करने लगी और तभी वो आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। तब रवि ने कहा दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वॉयलन। उसने कहा जो ये अजीब सी गंदी सी आवाज आ रही है, वियर्ड सी साउंड, ये लल्ली की वॉयलन से आ रही है जो कि म्यूजिक सीख रही है, वॉयलन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, उसने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन व्हाइल लली ऑल द टाइम डिलेयरिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। अब रवि कहता है कि जो म्यूजिक मास्टर हैं वो तो ऐसे वॉयलिन बजाते हैं लगातार जैसे कि कोई ट्रेन चल रही हो एकदम धड़ल्ले से,
बिना ब्रेक के। लेकिन जो लल्ली है वो वायलिन ऐसे बजाती है कि उसकी जो वायलिन की जो ट्रेन है वो कभी भी ट्रैक पे होती नहीं है। लल्ली इतना गंदा बजाती है। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है एंड दूसरा पार्ट हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे और उसी में हम पूरी स्टोरी फिनिश करेंगे। ओके जस्ट वेट फॉर सेकेंड पार्ट। थैंक यू।